हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डोरो टेक्निकल चैनल। तो चलिए आज का टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले बहुत बुरा खबर निकल के आ रहा है जो कि टिकटॉक की तरफ से है। अब मैं क्या ही बोलूँ, तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या न्यूज़ निकल के आया है। टिकटॉक का एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम बिट डांस के नाम पे है। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी है चाइना में। तो अब टिकटॉक चाहता है कि वो बिट डांस, मतलब कि वो चाइनीज कंपनी से अलग हो जाए ताकि वो इंडिया में फिर से अपना टिकटॉक को चला पाए। तो अब फिर से वही हाल हो जाएगा, मुजरा देखो और मुजरा करो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 17 जुलाई था और कल वर्ल्ड इमोजी डे था। तो इसी के रिगार्डिंग अगला खबर एप्पल के तरफ से आ रहा है, जिसमें बताया गया है कि एप्पल जो iOS 14 का जो नया अपडेट आने वाला है, उसमें एप्पल जो है वो एक नया इमोजी का अपडेट देंगे और जो बहुत बेहतरीन होगा। उसमें बहुत अलग अलग तरह के इमोजीज होंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे देखने में। तो चलो दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा है सोमी की तरफ से, जिसमें हमें पता चला है कि सोमी जो है वो एक नया तरह का कैमरा डिजाइन पेटेंट करा लिया है और वो उस कैमरे पेटेंट को अपने आने वाले फोन में, जो कि MI X के नाम पे एक फोन आने वाला है, कब आएगा उसका कुछ पता नहीं है, और उस फोन में उस कैमरे पेटेंट को लॉन्च करेगा। तो देखेंगे हम सभी, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको वो पेटेंट अगर देखना है तो आप उसे गूगल भी कर सकते हैं। तो और वैसे एक लीक के मुताबिक और यह पता चला है कि उस फोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, जो कि बहुत बेहतरीन फोन होने वाला है। तो वेट कीजिए, हम भी इस फोन का वेट करते हैं। और आपको इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि सैमसंग ने भी कुछ दिमाग लगाया है। वो देखे कि एप्पल ने वर्ल्ड इमोजी डे मना रहा है, सोमी एक अलग तरह का कैमरा पेटेंट करा रहा है, तो वो अब इस मार्केट में पीछे कैसे रह सकता है। तो उसने अब एक नया फोन जो कि अगले महीने अगस्त में लॉन्च होने वाला है, M31S, जो कि एक बहुत बेहतरीन फोन होने वाला है, जिसका मुझे कुछ फीचर्स लीक के मुताबिक पता चला है कि उसमें 6000 mAh का बैटरी होगा, एक बहुत बड़ा बैटरी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो M सीरीज है वो ऐसे भी मॉन्स्टर बैटरी के मामले में बहुत आगे ही है, और उसमें जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा और फिंगरप्रिंट सेंसर उसे सामने ही मिलेगा हम सभी को देखने के लिए। और जो चार्जर है वो 30 वॉट का फास्ट चार्जर में मिलेगा। इसका प्राइस जो है वो 20,000 के आसपास होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए अगले वीडियो की तरफ। तो अब अगला न्यूज भी जो कि सैमसंग की तरफ से ही है। तो सैमसंग तो मैंने पहले ही बताया कि पीछे रहने वाला है नहीं। तो अब वो क्या कर रहा है कि वह एक अफोर्डेबल फोन जो कि M01S के नाम पे वो लॉन्च करने वाला है अगले महीने या फिर उसके अगले महीने तक वो फोन आ ही जाएगा। और वो एक बिल्कुल अफोर्डेबल फोन होगा जिसका प्राइस 10,000 से कम होगा। हाँ दोस्तों, 10,000 से कम, और उसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बेहतरीन होने वाला है, बैटरी बहुत ज्यादा होगा। बैटरी तो मुझे पता चला है क्लिक के मुताबिक कि उसमें 6000 mAh का बैटरी होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है सैमसंग के साथ। तो दोस्तों, अपने लास्ट और आखिरी खबर की तरफ ध्यान दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि पोको की तरफ से आया है। तो यहाँ पे पोको की तरफ से यही न्यूज निकल के आया है कि पोको हमें बताया कि जो भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो कि फोन में पहले से ही है, अगर उसमें अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है और अगर प्राइवेसी इशू लग रहा है, तो वो पोको एक अगले न्यू अपडेट में बहुत जल्द ही उसे फिक्स कर देगा और फिर आप उसको अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल आज के लिए आज का टेक न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।